गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग फर्स्ट स्टैंडर्ड स्टूडेंट बच्चों, पेज नंबर 13 निकालिए। पेज नंबर 13 बच्चों, पाठ तीसरा, मूर्ख विद्वान। मूर्ख विद्वान बच्चों, ये पाठ मैंने आपको पढ़कर सुनाया था और एक बार पढ़कर सुनाती हूँ बच्चों। बीजापुर गांव में परमानंद नाम के सज्जन रहते थे। उनके चार बेटे थे जिनके नाम घनश्याम, मेघश्याम, दीपश्याम और राधेश्याम थे। चारों भाई बहुत होशियार थे। एक दिन चारों भाई पढ़ाई करने के लिए घर से बाहर निकले। चारों भाई चलते चलते एक जंगल में पहुँचे। वह रात उन्होंने उस जंगल में एक साथ गुजारी। दूसरे दिन चारों भाई सुबह जल्दी उठे और एक वर्ष के बाद उसी स्थान पर मिलने का वादा करके अलग अलग दिशाओं में चल पड़े। एक वर्ष पूरा होने के बाद जंगल में उसी स्थान पर वे चारों भाई मिले। चारों भाइयों ने भिन्न भिन्न विषयों का ज्ञान प्राप्त किया था। वे आपस में बातें करते करते घर वापस जा रहे थे। इतने में रास्ते में उन्होंने एक जगह मरे हुए शेर की हड्डियों का कंकाल देखा। तुरंत घनश्याम बोला, मैं अपनी विद्या से इन हड्डियों से शेर का आकार बना सकता हूँ। राधेश्याम के मना करने के बावजूद भी उन हड्डियों से उसने शेर का आकार बना दिया। मेघश्याम तो कंकाल पर चमड़ी लगाना सीख आया था। वह बोला, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं इसके ऊपर अपनी सीखी हुई विद्या से चमड़ी लगा सकता हूँ। यह सुनते ही राधेश्याम ने उसे भी बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं माना और शेर के आकार पर चमड़ी लगा दी। दीपश्याम बोला, यह तो कुछ भी नहीं, मैं इस मरे हुए शेर में अपनी विद्या से जान फूंक सकता हूँ। पहले राधेश्याम ने घनश्याम और मेघश्याम की बातों का विरोध किया था, फिर भी वे दोनों नहीं माने थे। अब उसने दीपश्याम को भी रोका। मरे हुए शेर में जान फूंकने को साफ मना किया, लेकिन दीपश्याम मानने को तैयार न हुआ। फिर राधेश्याम बोला, मैंने तुम सबको बहुत रोका, अब यदि तुम मेरी बात नहीं मानना चाहते हो तो एक काम करो, मुझे पेड़ के ऊपर चढ़ जाने दो, फिर अपनी विद्या का प्रदर्शन करो। सबने इसको माना। राधेश्याम पेड़ पर चढ़कर बैठ गया और तीसरे ने अपनी विद्या के मंत्र पढ़कर शेर के जान में फूंक दी। शेर जिंदा होकर तीनों भाइयों को खा गया। पेड़ पर बैठा हुआ राधेश्याम अपने भाइयों के लिए बहुत दुखी हुआ। अपनी विद्या का प्रदर्शन गलत जगह पर करने से राधेश्याम के भाइयों को अपनी जान देनी पड़ी। सीख, कोरा अध्ययन कुछ काम का नहीं होता। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने आपको पाठ पढ़कर सुनाया है। अब हम इसे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है बच्चों, तो हमारे पाठ का नाम है मूर्ख विद्वान। यहाँ विद्वान है, विद्वान यानी होशियार, लेकिन आगे क्या है, मूर्ख। तो ये मूर्ख विद्वान इस पाठ का नाम दिया है। तो हम देखेंगे कि इस पाठ में क्या है। एक गांव है, उसका नाम है बीजापुर। बीजापुर गांव में परमानंद नाम के एक सज्जन रहते थे। किस गांव में? बीजापुर गांव में। उनके चार बेटे थे। किनके? परमानंद नाम के एक सज्जन के चार बेटे थे। और उन चारों बेटों के नाम क्या था? घनश्याम, मेघश्याम, दीपश्याम और राधेश्याम। ये चारों भी बहुत होशियार थे। ये जो चार भाई है ना, ये बहुत होशियार है। एक दिन चारों भाइयों ने पढ़ाई करने के लिए घर से बाहर निकलने का वादा किया। ये चारों भाई एक साल के लिए गांव से बाहर जाकर पढ़ाई करने का इन चारों भाइयों ने सोचा। और
पढ़ाई करने के लिए इन चारों भाई घर से निकल गए। चारों भाई चलते चलते एक जंगल में पहुँचे और उसी रात को और उन्होंने जंगल में चलते चलते जंगल में पहुँच गए और उन्होंने उस जंगल में एक साथ चारों भाइयों ने एक साथ जंगल में गुजारी। ये चारों भाई जंगल में एक रात के लिए चारों भाई एक साथ जंगल में उन्होंने वही एक रात गुजारी। दूसरे दिन सुबह जल्दी उठ गए, ये चारों भाई सुबह जल्दी उठ गए और उन्होंने एक दूसरे को वादा किया। एक दूसरे को वादा किया, क्या वादा किया कि एक वर्ष के बाद हम यही इस स्थान पर ही मिलने का वादा उन्होंने किया। जंगल था और सुबह का माहौल था, रात को उन्होंने एक साथ ये जंगल में एक साथ उन्होंने रात बिताई थी और सुबह उठने के बाद इन चारों भाइयों ने एक वादा किया कि एक वर्ष के बाद हम इसी स्थान पर मिलेंगे। ऐसा वादा कर इन चारों भाई अलग अलग दिशाओं में चल पड़े। चारों भाइयों ने वादा क्या किया कि इसी जगह पर एक वर्ष के बाद हम मिलेंगे। यही वादा करके चारों अलग अलग दिशाओं में चल पड़े। एक साल पूरा हुआ उनका, चारों ने विद्या प्राप्त करने के बाद पढ़ाई करने के बाद एक वर्ष पूरा हुआ और जो वादा किया था ना चारों भाइयों ने, तो वही वादा उन्होंने पूरा किया और उसी जंगल में चारों एक साथ मिल गए। और चारों भाइयों ने भिन्न भिन्न विषय का ज्ञान प्राप्त किया था। ये चार भाई है और अलग अलग इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। वे चारों भाई बातें करते करते अपने घर वापस जा रहे थे, क्योंकि एक साल के बाद वो मिले थे और मिलने के बाद वो चारों एक साथ अपने घर वापस जा रहे थे। जंगल था और जंगल में उन्होंने एक मरे हुए शेर के हड्डियों का कंकाल देखा कि जब शेर मरता है तो पूरी हड्डियाँ होती है ना उसे हड्डियों का कंकाल कहते हैं। तो उस शेर का कंकाल उन्होंने देखा और तुरंत उन्होंने घनश्याम बोला कि इन चारों अपने भाइयों से कहा कि मैंने अभी जो विद्या सीखकर आया हूँ ना, तो इसी विद्या से मैं ये जो हड्डियों का कंकाल पड़ा है ना शेर के, तो इस हड्डियों से मैं इन हड्डियों से शेर का आकार बना सकता हूँ। तो बाकी के भाई भी बोलने लगे कि ये जो हड्डियाँ है, तो हड्डियाँ घनश्याम ने क्या किया कि इकट्ठे किए और उस हड्डियों से उन्होंने शेर का आकार बना दिया, क्योंकि ये जो घनश्याम है तो उन्होंने एक साल में ऐसे विद्या सीख कर वो अपने भाइयों से मिलने के लिए आ गया था और वो चारों एक साथ मिले थे। और घनश्याम ने क्या कहा कि इन हड्डियों से मैं शेर का आकार बना सकता हूँ। ये घनश्याम ने बोलने के बाद राधेश्याम ने कहा कि हड्डियों से उसे शेर का आकार मत बनाओ। घनश्याम से राधेश्याम ने कहा कि उसे मना किया कि ऐसा मत करो। राधेश्याम ने कहा घनश्याम से, फिर भी वो उसकी बात नहीं मानी। मेघश्याम तो कंकाल पर चमड़ी लगाना सीख आया था। अब मेघश्याम जो भाई है घनश्याम और राधेश्याम का, तो उन्होंने एक साल में क्या सीख कर आया था कि चमड़ी कैसे लगाते हैं, ये सीख कर आया था। और उसने कहा कि जब तुम हड्डियों इकट्ठा कर ये शेर का आकार बनाया है, तो इस हड्डियों पर मैं क्या लगा सकता हूँ बच्चों, चमड़ी लगा सकता हूँ।
तो मेघश्याम ने क्या किया कि हड्डियों पर क्या लगाया, चमड़ी। तो मेघश्याम को कंकाल पर चमड़ी लगाना सीख आया था और उसने उसने कहा कि इसमें क्या बड़ी बात है, इसके ऊपर चमड़ी लगाना मैं सीख कर आया हूँ। इस बात पर राधेश्याम फिर उसे समझाने लगा कि अरे भाई इसे चमड़ी मत लगाओ। फिर भी उन्होंने कुछ भी उसका सुना नहीं, लेकिन वो नहीं माना। और मेघश्याम ने क्या किया, उस हड्डियों के ऊपर चमड़ी लगाई। दीपश्याम बोला, यह तो कुछ भी नहीं, मैं इस मरे हुए शेर में अपनी विद्या से जान फूंक सकता हूँ। अब जो और एक भाई है उसका नाम क्या है, दीपश्याम। दीपश्याम ने कहा कि मैं एक साल में कोई भी जानवर हो तो उसमें मैं जान फूंक सकता हूँ, ऐसी विद्या मैंने सीख कर आया हूँ। इस बात पर राधेश्याम ने घनश्याम को मना किया था, मेघश्याम को भी विरोध किया था, फिर ये दोनों भी उसकी बातों का उन्होंने विरोध किया। फिर और दीपश्याम को भी उन्होंने समझाया कि भाई ऐसा मत करो, तुम इस जानवर में जान मत डालो। फिर भी इन तीनों भाइयों ने उसकी कुछ भी न सुनी। उसके बाद राधेश्याम ने कहा कि ठीक है, तुम जो कर रहे हो करो, लेकिन मेरा एक कहना मानो कि मैं इस पेड़ पर चढ़ जाता हूँ, फिर तुम अपनी विद्या का जो प्रदर्शन करना चाहते हो वो कर सकते हो। तो तीनों भाइयों ने राधेश्याम का कुछ भी न सुना। घनश्याम ने हड्डियाँ इकट्ठे करके शेर का आकार बना दिया, मेघश्याम ने उसके ऊपर चमड़ी डाली, दीपश्याम ने उस पर जान फूंक दी। तो ये सारा होने के बाद जब राधेश्याम ने इन तीनों भाइयों को मना किया था कि अपनी विद्या का ऐसा प्रदर्शन मत करो, तुम ऐसे मत करो, फिर भी तीनों भाइयों ने कुछ भी न सुना और तीनों भाइयों ने अपनी अपनी विद्या को इस शेर बनाने के काम वो विद्या डाली। उसके बाद राधेश्याम ने पेड़ पर चढ़ना ही उसे अच्छा लगा और वो पेड़ पर चढ़ गया। उसके बाद क्या हुआ बच्चों, उसके बाद राधेश्याम पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। तीसरे भाई ने अपनी विद्या से मंत्र पढ़कर शेर में जान फूंक दी। उसने क्या किया कि तीसरे भाई ने अपनी विद्या से मंत्र पढ़ा और शेर में जान फूंक दी। शेर जिंदा होकर तीनों भाइयों को खा गया, हड्डियों को जोड़ दिया, उसके बाद उस पर चमड़ी लगाई, चमड़ी लगाने के बाद उसमें जान फूंक दी। जान डालने के बाद वो शेर जिंदा हो गया और जिंदा होकर उसने क्या किया कि इन तीनों भाइयों को उसने खाया। पेड़ पर बैठा हुआ राधेश्याम, पेड़ पर जो बैठा है ना वो राधेश्याम, ये सारा देख रहा था और इन तीनों भाइयों को ऐसी हालत में देखकर उसे बहुत दुख हुआ और अपनी विद्या का प्रदर्शन गलत जगह पर करने से राधेश्याम के भाइयों को अपनी जान देनी पड़ी। क्योंकि ये जो तीनों भाई है, चारों भाई एक साल में अपने विद्या सीख कर आए थे, लेकिन गलत जगह पर और गलत जगह पर उसका प्रदर्शन करने के बाद ये हाल इनका हो गया। तीनों भाई मर गए, शेर ने इन तीनों भाइयों को खा डाला। ऊपर बैठा हुआ जो राधेश्याम है उसे बहुत दुख हुआ और अपने भाइयों पर तरस भी आया। तो इसे बच्चों हमें क्या सीख मिलती है कि कोरा अध्ययन कुछ काम का नहीं होता है।
कोरा अध्ययन कुछ काम का नहीं होता। ठीक है, तो ये पाठ हमें आपको दो बार पढ़ना है। और बच्चों, ये पाठ अभी यहाँ ख़त्म हुआ है, आपको समझ में आया होगा कितना अच्छा पाठ है ये। चारों भाइयों की कहानी है, चारों भाई पढ़ने के लिए गए थे और वो जब पढ़ने के बाद जंगल में इकट्ठे हुए तो वो घर पर जा रहे थे, लेकिन उस रास्ते में उन्हें क्या दिखाई दिया, हड्डियों का ढेर दिखाई दिया। घनश्याम ने क्या कहा, उनके भाई ने, घनश्याम नाम का एक भाई है ना, उसने क्या कहा कि इन हड्डियों से मैं शेर का आकार बना सकता हूँ। दूसरे भाई ने कहा कि साल भर में भी मैंने एक विद्या पढ़कर सीख कर आया हूँ, तो इस हड्डियों पर मैं चमड़ी लगा सकता हूँ। तो तीसरे भाई ने क्या कहा, ये तो कुछ भी नहीं है, तुम हड्डियाँ इकट्ठे कर सकते हो, शेर का आकार बना सकते हो। दूसरा भाई है जो चमड़ी लगा सकता है, लेकिन मैंने तो ऐसी विद्या सीख कर आई है कि इस पर मैं फूंक मारकर इसमें जान भी डाल सकता हूँ। तो ये गलत इनका क्या हुआ, अध्ययन हुआ, गलत उन्होंने सीख कर ऐसे ये गलत प्रदर्शन किया और अपनी जान दे बैठे। ठीक है, इसमें से समझदार कौन है, राधेश्याम। उन्होंने समझदारी से काम लिया और अपने भाइयों को समझाने की कोशिश की, लेकिन तीनों भाई उनका कुछ भी न माना और इन्होंने अपनी जान देनी पड़ी। और राधेश्याम ये सारा पेड़ पर चढ़कर बैठकर ये सारा देख रहे थे। तो ठीक है, ये पाठ आपको समझ में आया होगा बच्चों। हमें ये सीख क्या मिलती है, कोरा अध्ययन कुछ काम का नहीं होता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। तो बच्चों, इस पाठ के हमें शब्दार्थ देखने हैं। शब्दार्थ, विद्याध्ययन यानी पढ़ाई यानी स्टडी। ठीक है, नियत तय किया हुआ, डिसाइडेड, नियत तय किया हुआ, डिसाइडेड। प्रदर्शन, दिखावा यानी शो। कंकाल, अस्थियों का ढांचा, स्केलेटन, अस्थियों का ढांचा। ठीक है, तो बच्चों ये पाठ में हमने यहाँ पढ़ा है, समझाया है, इसके प्रश्न और उत्तर अब आपको लिखना है। ठीक है, तो आप इसके प्रश्न उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है हमारा, पहला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, फिलिंग द ब्लैंक्स। ये कुछ रिक्त स्थान है और मैंने पहले ही उसके उत्तर लिखे हैं। घनश्याम, मेघश्याम, दीपश्याम और राधेश्याम, ये चार भाई थे। चार भाइयों के नाम, घनश्याम, मेघश्याम, दीपश्याम और राधेश्याम, ये चार भाई थे। ठीक है, दो नंबर, एक दिन चारों भाई पढ़ाई करने के लिए घर से बाहर निकले। क्या करने के लिए, पढ़ाई। तो यहाँ रिक्त स्थान में शब्द कौन सा आता है, पढ़ाई। तीन नंबर, चारों भाई चलते चलते एक जंगल में पहुँचे। चारों भाई चलते चलते कहाँ पहुँचे, जंगल में। तो यहाँ रिक्त स्थान कौन सा आता है, जंगल। चार नंबर, चारों भाइयों ने भिन्न भिन्न विषयों का ज्ञान प्राप्त किया था। यहाँ शब्द कौन सा आता है, भिन्न भिन्न, भिन्न भिन्न यानी अलग अलग। चारों भाइयों ने भिन्न भिन्न विषयों का ज्ञान प्राप्त किया था, तो यहाँ रिक्त स्थान कौन सा आता है, भिन्न भिन्न। ठीक है, प्रश्न दूसरा बच्चों क्या है, किसने किससे कहा यानी क्या, हु सेड टू होम। तो इस पार्ट में किसने किससे कहा ये आपको लिखना है। पहला, मैं अपनी विद्या से इन हड्डियों से शेर का आकार बना सकता हूँ, ये किसने कहा, घनश्याम। उत्तर का क्या आता है, घनश्याम ने अपने भाइयों से कहा, मैं अपनी विद्या से इन हड्डियों से शेर का आकार बना सकता हूँ। किसने कहा बच्चों, घनश्याम ने, क्योंकि घनश्याम ने ये विद्या सीख कर आया था कि हड्डियों से वो किसी का भी आकार बना सकता है।
तो उसने किसका आकार बनाया? शेर का। और ये किसे कहा उसने? घनश्याम ने अपने भाइयों से कहा। दो नंबर, मैं इस मरे हुए शेर में अपनी विद्या से जान फूंक सकता हूँ। तो जान फूंक सकता हूँ, कौन जान फूंक सकता था? उत्तर, दीपश्याम ने अपने भाइयों से कहा। दीपश्याम ने क्या कहा? मैं इस मरे हुए शेर में अपनी विद्या से जान फूंक सकता हूँ। ठीक है। तीन नंबर, मुझे पेड़ के ऊपर चढ़ जाने दो, फिर अपनी विद्या दिखाओ। ये किसने कहा? राधेश्याम ने अपने भाइयों से कहा, क्योंकि बार बार राधेश्याम उन लोगों को मना कर रहा था, उन्होंने नहीं सुना। इसीलिए राधेश्याम ने क्या कहा? मुझे पेड़ के ऊपर चढ़ जाने दो, फिर अपनी विद्या दिखाओ, राधेश्याम ने भाइयों से कहा। प्रश्न तीन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक नंबर, चारों भाइयों ने आपस में क्या वादा किया? उत्तर, एक वर्ष के बाद उसी स्थान पर मिलने का वादा करके अलग अलग दिशाओं में चारों भाई चल पड़े। यही वादा उन्होंने किया। प्रश्न दूसरा, जंगल के रास्ते में चारों भाइयों ने क्या देखा? जंगल के रास्ते में चारों भाइयों ने क्या देखा? जंगल के रास्ते में चारों भाइयों ने एक जगह मरे हुए शेर की हड्डियों का कंकाल देखा। जंगल के रास्ते में चारों भाइयों ने एक जगह मरे हुए शेर की हड्डियों का कंकाल देखा। तीन नंबर, राधेश्याम ने सबसे क्या कहा? राधेश्याम ने, मैंने तुम सबको बहुत रोका, अब यदि तुम मेरी बात नहीं मानना चाहते हो तो एक काम करो, मुझे पेड़ के ऊपर चढ़ जाने दो, फिर अपनी विद्या का प्रदर्शन करो। यह राधेश्याम ने सबसे कहा। ठीक है। प्रश्न चार, इस पाठ से तुम्हें क्या शिक्षा मिलती है? शिक्षा यानी सीख। इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है कि कोरा अध्ययन कुछ काम का नहीं होता है। कोरा अध्ययन कुछ काम का नहीं होता है, ये सीख हमें मिलती है। प्रश्न चार, प्रश्न चौथा आपको क्या दिया है कि आपकी पाठशाला में कौन कौन से विषय पढ़ाए जाते हैं, उनमें से कौन सा विषय आपको अच्छा लगता है और क्यों अच्छा लगता है। तो ये आपको ये प्रश्न दिया है, तो आपका पसंद का आप हमारे स्कूल में कौन से विषय पढ़ाए जाते हैं आप लिख सकते हो, और आपको कौन सा विषय अच्छा लगता है ये खुद आप लिख सकते हो। मैं नहीं आपको ये उत्तर दूंगी, क्योंकि ये आपके लिए प्रश्न है, कौन से विषय पढ़ाते हैं और आपको कौन सा अच्छा लगता है और क्यों अच्छा लगता है, ये भी आपको लिखना है। प्रश्न पांचवा, निम्नलिखित शब्दों को बहुवचन में लिखिए। बहुवचन, एक वचन, बहुवचन, वचन के दो प्रकार होते हैं, बच्चों पढ़ाया था मैंने आपको, तो इसका हमें क्या करना है? बहुवचन लिखना है। एक नंबर, कपड़ा, कपड़े। कढ़ाई, कढ़ाइयाँ। थाली, थालियाँ। लोटा, लोटे। डिब्बा, डिब्बे। बस्ता, बस्ते। जूता, जूते। कुर्ती, कुर्तियाँ। टोपी, टोपियाँ। तो हमें बहुवचन करना है, और हमने यहाँ बहुवचन किया है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आपको? ओके। पेज नंबर 15 निकालिए बच्चों, पेज नंबर 15। प्रश्न उत्तर के बाद बच्चों ये आपको कुछ यहाँ दिया है, देखिए, है और है, इसमें फर्क हमें जानना है। कैसे जानना है? कि ये जो अभी हमने ये प्रश्न देखा, बहुवचन में लिखना है, एक वचन, बहुवचन मैंने सिखाया था ना, तो यही हमें यहाँ एक्सप्लेन किया है। कैसे?
कि है कब लिखना है और है। अभी यहाँ दो मात्रा के बाजू में एक बिंदी है ना, दिखाई दे रहे हैं। तो ये बिंदी हमें कब लगानी है ये हमें यहाँ सीखना है। जैसे कि यहाँ दिखाई दे रहे हैं, आपको चित्र दिखाई दे रहे हैं, एक अलमारी है और यहाँ तीन अलमारियाँ हैं, एक और ये तीन, एक से ये ज़्यादा है, एक से ये ज़्यादा है। तो जब एक वस्तु होती है तो यह अलमारी है, एक से यहाँ ज़्यादा है, तो ये अलमारियाँ है, क्योंकि ये बहुवचन हो गया, एक से ज़्यादा हो गए ना, तो इसलिए ये बहुवचन हो गया। यहाँ है एक अलमारी है, इसलिए है, यहाँ देखिए दो मात्रा है, एक से ज़्यादा है, और यहाँ बिंदी है, यहाँ है और यहाँ बिंदी है, और ये अलमारी एक शब्द है, एक वचन अलमारियाँ, ये बहुवचन, क्योंकि एक से ये ज़्यादा है। समझ में आ गया? तो एक से ज़्यादा जब होते हैं, तो जब हम है लिखते हैं तो यहाँ बिंदी आती है, तो इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है, है, जैसे कि नाक में उसे बोलना चाहिए। तो यहाँ बच्चों देखो कि यह गिलास है, और यहाँ देखो ये गिलास हैं। जब ये एक वचन होता है तो नॉर्मल है, बहुवचन होता है तो हैं, ऐसे नाक में उसे थोड़ा सा वो प्रोनाउंसिएशन करना चाहिए, ये गिलास हैं। वह एक बिल्ली है, वे दो बिल्लियां हैं। वह एक चिड़िया है, वे दो चिड़िया हैं। समझ में आ गया बच्चों? तो इसी के ऊपर यहाँ कुछ प्रश्न दिया है व्याकरण के आधार पर। क्या है? निम्नलिखित वाक्यों में है और हैं का प्रयोग कीजिए। हमें है और हैं का प्रयोग करना है, तो आप कर सकते हो ना, कर सकते हो। सरिता फूल तोड़ रही है, क्योंकि सरिता अकेली है, तो यहाँ है कौन सा आता है, ये है। और वे दोनों बालक गेंद खेल रहे हैं, क्योंकि एक से ज़्यादा है, अंक यहाँ एक से ज़्यादा है, तो कौन सा है, ये है, यहाँ बिंदी आती है। मछलियाँ, यहाँ देखो एक मछली होती है तो है आता है, अनेक मछलियाँ है, यहाँ ऑलरेडी यहाँ बहुवचन है, तो हमें है का प्रयोग कैसे करना चाहिए, मछलियाँ पानी में तैर रही हैं। समझ में आ गया? क्योंकि ऑलरेडी तब यहाँ बहुवचन दिया है, मछलियाँ, ठीक है। तो रानी सहेलियों के साथ घूमने जाती है, रानी सहेलियों के साथ घूमने जाती है, यहाँ सिर्फ है, क्योंकि रानी अकेली है, सहेलियों के साथ घूमने जाती है, अभी घूम नहीं रही है, तो जाती है, तो सिर्फ है, ठीक है। प्रश्न दूसरा क्या है, है और हैं इस शब्द से बने पांच वाक्य लिखना है। तो ये आपका बच्चों छोटा सा होमवर्क है, आपको ये पांच शब्द लिखने हैं, है और है के। आपको ये समझ में आया होगा ना बच्चों, तो आप लिख सकते हो, ठीक है, बहुत आसान है ये। तो बच्चों यहाँ हमारा तीसरा पार्ट मूर्ख विद्वान यहाँ ख़त्म हुआ है। मैंने समझाया है आपको, क्या सिर्फ दो बार उसे पढ़ना है पाठ को, और ये सारे प्रश्नोत्तर आपको लिखने हैं, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। थैंक यू।